10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. महोदय, आज के युग में बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति अधूरा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि वर्तमान समय में हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो इस देश में दूसरी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, जैसे जनसंख्या, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुशासनहीनता, अपराध आदि। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। उसमें अभी तक विशेष सुधार नहीं किए गए हैं। यह शिक्षा पद्धति केवल अंग्रेजों ने सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए शुरू की थी, जो कि आज भी वैसी ही है। इस शिक्षा पद्धति का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है, जिन्होंने उच्च पदों के लिए अंग्रेजी और निम्न स्तर के पदों के लिए इस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपनाई कि भारतीय उच्च पदों के लिए तैयार न हो सकें। यह प्रणाली आज तक विद्यमान है और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रति वर्ष तकनीकी शिक्षा से युक्त इंजीनियर और चिकित्सकों की अपेक्षा क्लर्क कई गुना बनते हैं। इस संबंध में एक तथ्य साफ है कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में जी रही है। अतः तकनीकी शिक्षा महंगी पड़ती है और इसी कारण क्लर्क ज़्यादा बनते हैं। आज की हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष है कि शिक्षा पद्धति व्यवसायों उन्मुख नहीं है। यदि शिक्षा पद्धति को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाए तो इस देश की काया पलट हो जाए और वह अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की श्रेणी में गिना जाने लगे। उदाहरणार्थ, यदि आज एक विद्यार्थी को मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात या स्कूली समय से ही व्यवसायोन्मुखी किसी कार्य में दक्ष किया जाए तो उसकी शिक्षा स्नातक स्तर की समाप्त होते ही वह उस कार्य
विशेष में दक्ष होने के कारण वह अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकता है। स्टॉप।